अस्सलामुअलैकुम क्लास टू बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम ये अपना नया काम शुरू करते हैं, पेज नंबर 22। आइए इसको शुरू करते हैं। दिए गए अल्फाज पर इस तरह से नंबर लगाएं कि वो मुकम्मल जुमले बन जाएं। फातिमा नबीन को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है जाता। ये सारे हरूफ आगे पीछे हैं, इसको हमने नंबर से लिखकर तरतीब देना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर वन को नंबर टू, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमा नबीन नंबर थ्री, कहा फोर, जाता फाइव और है नंबर सिक्स। रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं के लिए एक हर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर वन हर, नंबर टू एक, नंबर थ्री हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के लिए नंबर फोर, रहमत नंबर फाइव और हैं नंबर सिक्स। सोचिए और मुकम्मल कीजिए। पहले नबी का नाम हज़रत आदम अलैहे सलाम, आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहे वआलिही वसल्लम। ख़ातिमुन्नबीयीन के मायने नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला। पेज नंबर 23। रंग भरिए और मायने ज़बानी याद कीजिए। रहमतुल आलमीन में आप लोग कलर्स करेंगे और रहमतुल आलमीन के मायने हैं तमाम जहानों के लिए रहमत। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। नेक्स्ट, अपने उस्ताद की मदद से अल्लाह ताला के कोई से पांच रसूलों के नाम ज़बानी याद करके लिखिए। पांच रसूलों के नाम हज़रत आदम अलैहि सलाम, नंबर टू हज़रत इब्राहीम अलैहे सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहे सलाम, हज़रत दाऊद अलैहे सलाम, हज़रत यूनुस अलैहे सलाम।